हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे, क्लास थ्री की वर्कशीट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे इंग्लिश की, ठीक है। आज की डेट लिखेंगे इसमें, क्या डेट है बेटा, 27 अक्टूबर 2021, है ना। ऊपर लिखेंगे इंग्लिश वर्कशीट नंबर 98, ओके। एंड देन क्लास थ्री सेक्शन लिखेंगे, ABC आपका जो भी सेक्शन है, आपकी बुक है मैरीगोल्ड, उसमें पेज नंबर 34 पर। सभी बच्चे मैरीगोल्ड की बुक लेकर आएंगे, निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे मैरीगोल्ड की बुक। एंड देन उसमें पेज नंबर 34 पे जो पोयम है सी सॉन्ग, ठीक है, वो आपने पढ़ी है। इधर अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम आपको लिखना है, राइट। तो बेटा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जल्दी से बेटा आपको लाइक करना है, सभी बच्चे लाइक करेंगे। चलो शुरू करते हैं वर्कशीट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। लेट अस लुक एट द क्लाउड गिवन बिलो केयरफुली एंड सर्कल द थिंग्स दैट यू सी इन द सी। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो इसमें लिखा है, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों को, जागे और अपना दिन शुरू करें, ठीक है, राइज करें आप लोग। चलो फिर नीचे एक बादल बना हुआ है, ये बादल बना हुआ है ना, ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और वही चीज़ों को आपको सर्कल करना है जो कि आप एक समुद्र में, सी में देखते हैं। एक आपके लिए ऑलरेडी करा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। जैसे फिश करी हुई है, शेल्स हमें मिलते हैं नदी में, सी हॉर्स, क्रैब, ऑक्टोपस, कोरल, ओके। चलिए अगला देखते हैं, पहला क्वेश्चन। नाउ लेट अस रीड द पोएम सी सॉन्ग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपने अपने टेक्स्ट बुक में सी सॉन्ग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। There are a few new words given in the poem that are shown below. Read them and write them down in your notebook. ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपकी बुक में कुछ कुछ न्यू वर्ड्स हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको रीड करना है, पढ़ना है और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। Shell, SHEL, शेल, मेरे साथ रिपीट करेंगे, SHELL, शेल, SHELL, शेल। हेल्ड, HELD, हेल्ड, HELD, हेल्ड। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। कर्ली, CURLY, कर्ली। क्लियर, CLEAR, 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 ठीक है। सभी बच्चों को अपनी अपनी कॉपी में एक के बाद एक लिखना है, नीचे नीचे लिखना, ठीक है। चलिए, वंस यू हैव रेड द पोएम फाइंड आउट द वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अ हिंट बॉक्स हैज बीन गिवन फॉर योर हेल्प। चलिए देखते हैं इसमें बेटा, कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। जैसे देखेंगे, पहला है फाउंड, फाउंड का हो गया साउंड। फिर अगला है कोल्ड, लिखा है कोल्ड, कोल्ड का हो गया बोल्ड, BOLD, बोल्ड, ठीक है। अगला यहाँ लिख देंगे टुक, टुक का ऑपोजिट है लुक, है ना। फिर नेक्स्ट साउंड हम इधर कर चुके हैं ऑलरेडी, लुक हो गया है, बोल्ड हो गया है। फिर है सैंड, SAND, सैंड, सैंड का राइमिंग वर्ड हो गया हैंड, HAND, हैंड। नेक्स्ट मम्मी, टमी, MUMMY, मम्मी, देन TUMMY, टमी, ठीक है। अगला देखते हैं,
टॉक टाइम डियर चिल्ड्रेन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली वॉट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट इमेजिन एंड क्रिएट द डायलॉग्स से दैम आउट अलाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। तो बेटा एक बार पिक्चर को जूम कर देती हूँ आपके लिए, ध्यान से देख लेंगे। एक लेडी है, ये आटा पीस रही है ना, और इसके साथ एक एक जेंट्स खड़े हैं, मतलब एक आदमी खड़ा है। तो बेटा इसमें देखेंगे, ये जो आदमी है ये पूछता है, डू यू वॉन्ट एनी हेल्प। तो ये इससे पूछ रहा है, तुम क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। तो ये जो लेडी है ये कहती है, ओ यस प्लीज थैंक यू। तो ये इसको कहती है, हाँ मुझे मदद चाहिए, थैंक यू, ठीक है। मम्मी पापा के लिए सुझाव है बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, देखो थम्स अप का जो साइन है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। मम्मी पापा के लिए सुझाव, बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताइए कि जिस तरह हम पानी में सांस नहीं ले सकते, मछलियाँ पानी के बाहर सांस नहीं ले पाती, ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है बेटा आपका, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। ओके सो स्टूडेंट्स स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय।